हाय, आई एम अंजलि। मैं यहाँ पे घर में हूँ किसी के। अब कौन है यहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक दीदी बैठी है, शायद वो कुछ काम कर रही हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो शादीशुदा है या मैरिड या अनमैरिड। आइए उन्हीं से जानते हैं। हेलो, हाय दीदी। हाय, कैसे हो? अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। क्या कर रहे हो? घास गिर रही हूँ। ऐसे डाँटा मार के? गर्मी लग रही है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? डॉक्टर। शादीशुदा हो आप? हाँ जी। अरे मुझे तो पता था आप शादीशुदा नहीं हो। वो भूल थी आपको। अच्छा, वो भी डॉक्टर है। हाँ जी। आप क्या कर रहे हो? मैं भी डॉक्टर का कोर्स कर रही हूँ। क्या बात है, शादी होने के बाद में बच्चे कितने हैं? तीन। तीन बच्चे? हाँ जी। तीन बच्चों के साथ साथ पढ़ाई करने में तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती पर करनी पड़ती, क्या करे। अच्छा, सास ससुर हैं? हाँ जी। उनका भी करना? हाँ, बच्चे भी, पढ़ाई भी, कैसे मैनेज करते हो मतलब? ऐसे ही। अच्छा, आपके यहाँ मुझे लग रहा है कि भैंस भैंस हैं, है ना? हाँ जी है। तो आप ये भी काम कर लेते हो? कर लेते हैं। कर ले दो? हाँ जी, कर लेते हैं। क्या बात है। कहाँ की हो वैसे आप? इसराना के। अच्छा, शहर से ही हो? हाँ यार। अच्छा, तो ये सब मतलब घर पहले भी करते थे आप? नहीं, अभी यहाँ आके किया है। शादी के बाद? हाँ जी। तो एकदम से कैसे अब जॉब कर लिया, मतलब कैसे मैनेज कर लिया आपने? धीरे धीरे। एडजस्ट नहीं हो पाया आते तो फिर अब हो गया। क्या बात है, हिम्मत है आप में। शायद मुझे करना पड़ जाए तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। आपने आपकी हिम्मत बहुत है। पति को भेजना, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, उनके सेवा करना, सबका ख्याल रखना, खुद का भी, और क्या। अच्छा, लव मैरिज हुई है आपकी? अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज है। चलो, आपके पति तो आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, है ना। उसकी सपोर्ट के कारण तो ऐसे हो रहा है, घर चल रहा। ओ हाय बेबी, एक बेबी भी आ गया। हाँ जी। आप ही का है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी मतलब दो गुड़िया? अच्छा अच्छा, वो तो बच्चे तो हैं आपके। इसके अलावा भी मतलब कुछ करने का इरादा है या डॉक्टर ही बनना है? हाँ जी, मैं आऊंगी पक्का इलाज करवाने। ठीक है जी, आ जाना। कब तक वैसे डॉक्टर बन जाएंगे आप? अभी तो दो साल हो रहे हैं। दो साल और है? हाँ जी। दो साल के बाद अगर फर्स्ट ईयर हो गया अभी तो क्यों नहीं रहोगे आप? क्या पता मैं ही नहीं रहूं। अरे ऐसा मत बोलो, आपकी बेबी है बहुत सारे। फिर क्या हुआ? देखो, दो साल के बाद ठीक मैं आऊंगी। आ जाओ बेबी, दो साल के बाद ठीक मैं आऊंगी अपना इलाज करवाने। अगर आपको करवाना है तो पक्का आना, डॉक्टर बनने वाले हैं, सस्ते में निपटा देंगे आपको। मतलब वैसे निपटाने वाली बात नहीं, गलत मत समझना। मतलब निपटाने का मतलब आपकी जितनी बीमारी है ना वो खत्म कर देंगे, कहीं उल्टा माइंड कर जाओ आप लोग, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। बाकी मैं इनसे पूछती हूँ, वैसे किस चीज की? किस भी चीज की। ऑपरेशन वगैरह भी करेंगे? हाँ जी, पर मुझे तो इंजेक्शन से डर लगता है। फिर मैं पहले पहले मैं भी गई थी ना, तब मैं भी डरती थी, ये पेशेंट को देख के, गागू देख के, मैं कैसे कर पाऊंगी। पर अब देख के मुझे थोड़ा सा हो गया, क्योंकि एक डॉक्टर में तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए उसके अंदर। हाँ जी, दिल क्या हो तो पत्थर ही होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑपरेशन करते हैं तो कैसे उनको मैनेज करेंगे। आप में है उतना हिम्मत है? इतने दो साल तक हो जाएगी। देखा, अभी से हिम्मत जुटा रही है ऑपरेशन के लिए। अगर आपको करवाना तो आप भी आ जाना, पर मुझे नहीं करवाना। तो दो साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी। वैसे आप ऑपरेशन हर चीज की डॉक्टर बनोगे? वैसे डॉक्टर तो किसी एक चीज का होता है ना, तो आप मतलब कौन सी चीज के कोर्स कर रहे हो? मैं तो जीएनएम, जैसे सर्जरी का अलग हो गया, ऑपरेशन हाँ, का अलग हो गया, उसके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो मेरे मेरे हस्बैंड ने वो कर रखी है जीएनएम भी, एएनएम भी, अरे वो करा बीएमएस की डिग्री। अच्छा अच्छा, अब तो जो वो करेगा उनके साथ में काम करूंगी। अच्छा। हाँ, अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे हम दोनों, खुद का हॉस्पिटल। हाँ जी। गाँव का सेवा करोगी? हाँ जी, गाँव में ही रहना है। अच्छा, गाँव और शहर में थोड़ा डिफरेंट है ना? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। पर तुम्हारे पति की सोच डिफरेंट नहीं है। वो शहर वाली है। इसके लिए तो
थैंक यू बनता ही है, अपने पति को बोलना मुझे मत बोलना। चलो कोई नहीं। देखिए इनके पति बहुत अच्छे हैं और वो एक डॉक्टर हैं और मैडम को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 2 साल में उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और तब मैं आके जरूर मिलूंगी कि वो किस चीज़ की डॉक्टर बनी है और मेरी भी कुछ करेंगी या मुझे ऊपर पहुंचा देंगे। पर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं ऐसा सभी लोग बोलते हैं, मोस्टली गरीब लोगों के लिए तो खास करके। तो मेरे लिए भी डॉक्टर वो बननी नहीं है, बनने वाली हैं, तो वो मेरे लिए भी भगवान के रूप ही होंगे क्योंकि वो हमारी जान बचाएंगे। तो ऐसे तो सलूट बनता है इनको। और जितने लोग हैं अगर कोई देख रहे हैं तो वो आए और अभी से दवाई गोली शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर की कोर्स 2 साल में ही पूरा होने वाला है, तो अभी से स्टार्टिंग है उनकी। तो आप भी आइए और गांव वाले तो आएंगे ही, मैं ज़रूर आऊँगी पक्का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊँगी। ठीक है, तब तक मैं बता देती हूँ आपका घर कहाँ है, उन लोगों को एड्रेस बताती हूँ। ठीक है, बता दो। ठीक है, आपके बारे में कुछ बताती हूँ ताकि आप जल्दी से डॉक्टर बन जाए और उनका ऑपरेशन करें। पहले सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन कराएंगे। हाँ नहीं मेरा करना। तो आइए मिलाती हूँ दूसरे से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। नहीं गुड इवनिंग हो रही है, गुड नाइट मत सुनना क्योंकि मैं गुड नाइट नहीं बोली, गुड इवनिंग बोला है। और वैसे भी हमारे कैमरामैन को ज्यादा सुनाई आती है, वो गुड इवनिंग ही लगा देंगे।